हमारी सास है और वो ऋषि की चाची यानी हमारी चाची सास। हेलो, अरे आंटी जी बुरा मत मानिएगा, हम लोगों को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। चलो अरे सोनाक्षी का ससुराल तो उसके मायके से काफी छोटा है। छोड़ना यार, दिखाते हैं आज। अरे बुटंकी जो अभी तक नाश्ता कहे थे वो बना के नहीं, जल्दी लेकर आओ। एक नंबर की काम चोर है ये, कुछ काम नहीं करती। अरे सोनाक्षी ये गिड्डी को क्या कोई सर्कस से उठा के लाई है? बढ़िया है, जब मन करे खेल लो और जब मन करे नौकर की तरह बस काम करवा लो। सुन बॉनी, हमारे दोस्तों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो जो भी ये सब बोलेंगी ना फटाफट बनाती रहना, हाथ रुकने नहीं चाहिए तुम्हारे। हम तो कहते हैं कि स्टार्ट पकोड़े से होना चाहिए। हाँ अच्छा आइडिया है, जाकर पकोड़े बनाओ। चलो करने के बाद हम लोग को भूली गई, मिलना तो दूर फोन भी नहीं किया, और हमने सुना है कि तू अपने पति के साथ हनीमून गई, लेकिन वो भी नहीं गई थी, तो फिर बिजी कहाँ थी तू? वो ऋषि का मेडिकल का पढ़ाई चल रहा है ना, और एग्जाम भी एकदम सर पर है, इसीलिए हमने उनको प्रायोरिटी देना जरूरी समझा। अरे वाह, तू तो एकदम पतिव्रता निकली। अरे इतना पकौड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? और ये तो इसकी मनपसंद की डिश है, हमारी मनपसंद की डिश तो भी बाकी है। सोनाक्षी मेरे लिए एक पास्ता बनवा दे। हाँ हाँ जरूर जरूर, ये सबको सर्व करने के बाद पास्ता बनाओ इनके लिए। जी। वो चुड़ैल लोग के चक्कर में घर का पूरा राशन खत्म करोगी? ये राशन तुम्हारा प्यून बापला कर देता है। सोनाक्षी ने कहा है कि हाथ नहीं रोकना चाहिए, इज्जत का सवाल है, तो हम कैसे रोक दें? आप उनसे कह दीजिए तो हम ये बनाना बंद कर देंगे। अरे रेडी हुआ कि नहीं? इस सोनाक्षी की बच्ची और उसका सहेली को ना सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। रहने दीजिए ना दीदी, आप काहे सोनाक्षी से अपना रिश्ता बिगाड़ना चाहती हैं? ए बुड़पक, रिश्ता नहीं बिगाड़ रहे हैं, एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं, समझी? और काम सब चल रहे हैं वहां पे। अरे बुढ़िया दादी हमारे लिए एक ग्लास जूस ले आइए ना। जब मेहमान कह रहे हैं तो ले आइए ना, इसमें क्या शर्म की बात? सोनाक्षी ये कौन है, घर की पुरानी नौकरानी है क्या? अरे नहीं नहीं नौकरानी नहीं, लगती है वैसी, ऋषि की दादी है ये, एक नंबर की ड्रामेबाज औरत। तुम मानोगे नहीं, कल तो घर छोड़ के जाने का नाटक कर रही थी। फिर क्या था,
घर लौटकर खराटा मार के सो गई। दीदी काम हो गया, चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तुम बस तैयार रहना। हाथ उठाने का गलती नहीं, मानते हैं कि गलती हो गई, ले आते दूसरा जूस। सोनाक्षी इस घर की नौकरानी है या कुछ और? इसके तेवर देखकर तो लगता है इस घर की बहू तुम नहीं ये है। दीदी काम हो गया। मेरे भी समोसे में मिट्टी है। तुम इतनी बदतमीज हो गई हो कि दादी पर हाथ उठा दिया? अरे मान मर्यादा शर्म लिहाज सब भूल गई हो क्या तुम? क्या साबित करना चाहती हो अपनी सहेलियों के सामने? कि तुम इस घर की मालकिन हो? कितना दबदबा है तुम्हारा? दादी है इस घर की मालकिन, इनका है ये घर। और आप लोग, अरे शर्म आना चाहिए आप लोग को। आप लोग में इतनी भी तमीज नहीं है कि जब घर के किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान हो रहा हो और आप लोग खड़ी खड़ी हंस रही हैं। आप जैसी दोस्त होने से दोस्त ना होना बेहतर है। चले जाइए यहां से। Thank you.
वाह माजी शाबाश शाबाश माजी। सोनाक्षी को उसके दोस्तों के सामने बेइज्जत करके आपको सुकून तो बहुत मिला होगा ना। देखिए कैसे ऋषि उसको घसीटते हुए यहाँ से अपने कमरे में लेकर गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उस पर हाथ ना उठा दे। अगर ऐसा उसने कर दिया तो उसका बाप कितना कोहराम मचाएगा आप जानती हैं। तो क्या उसके बाप के डर से उसको सजा ना दे? आज उसने जो किया है ना उसके लिए उसको सजा मिलना बहुत जरूरी है। दादी शांत हो जाइए, गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। ए बोनी जरा चौधराई नहीं बनो। ये पूरा आग में ना पेट्रोल डालने का काम तुमने ही किया है। भागो यहां से। टाटाफली अगर मजदूर पर जोर नहीं चला तो उसके गधे के कानों में इतने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। डायन सात घर छोड़ देती लेकिन आप तो अपने ही घर को बर्बाद करने में तुली हुई हैं। पता नहीं इस बोनी ने आपको क्या घोल के पिलाया है कि आप बेटा बहू पोता सबका जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। इस पड़ोसी में कुछ समझ आता नहीं है आपको? ये बुढ़िया फिर से कोई नाटक पसार रही है। सोनाक्षी सही कह रही है, अपने ऊपर इल्जाम लग गया तो हार्ट अटैक का नाटक करने लगी है ये। दादी को अटैक आया है। दादी 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 लगता है इस घर से ये बुढ़िया घटी और पूरी सब्जी सबने बटी। नीलम तुम जल्दी से पापा के कमरे से ऑक्सीजन मास्क लेकर आओ। जल्दी भैया। दादी 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 की जान बचा लीजिए माता रानी। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। विघ्न शक्ति निज धारिणी शुभ कारिणी हे शुभ कारिणी हे भक्त उदाहरण मातु जय जय। दादी दादी आप ठीक है? अच्छे से हालात में हमारा घर है।
अंदर से हमारा जीने का इच्छा बिल्कुल नहीं है। हमने अपने परिवार को सब कुछ दिया और हम पर अपने ही परिवार को तोड़ने का आरोप लग गया। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि दिन देखने से पहले हम मर जाना चाहते। नहीं दादी, ऐसा मत कहिए। दादी, आप तो हम सबको हिम्मत देती है ना, फिर आप क्यों हिम्मत हार जाएंगी? कैसे ना हारूं हिम्मत, अपनी आंखों के सामने रसोई भट गया, सबका मन भट गया और हम कुछ नहीं कर पाए। हम अपने घर को ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो दिन देखने से पहले हम मर जाना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इधर देखिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये घर एक ही रहेगा, कोई नहीं बटेगा यहाँ पर। अब कुछ नहीं हो सकता अनमोल, हमारे ऊपर घर तोड़ने का आरोप लगा है। सारी उम्मीदें खत्म हो गई अब, क्योंकि घर की रसोई में जो बंटवारे की लकीर खींची गई है वो बढ़ते बढ़ते घर की हर दीवारों के बीच में खिंच जाएगी। और हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये घर आपका और स्वर्गवासी दादाजी का खून पसीना से खड़ा हुआ है और इस घर का बंटवारा तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। क्या बकबक किए जा रही हो कब से? इस घर का बंटवारा हो चुका है और इनकी बुरी आंखों को झूठे ख्वाब मत दिखाओ। तो बंटवारे का दीवार तो अब खड़ा हो ही चुका है। तूने अपने हाथों से बंटवारे का दीवार खड़ा किया है। वो दीवार हमने खड़ी की है ना, अब उसे मिटाएंगे भी हम ही। अभी क्या अभी? तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। हमको उसकी परवाह नहीं। दादी चाहती है कि ये दीवार टूटे तो अनमोल उनकी इच्छा पूरी करेगी। चाहे जो हो जाए, जय माता दी। जय माता दी।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.